ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਪਿਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਐਸੀ ਗੋਰਾ ਨੇ ਪਿਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ
बगमी चोले पावे बगमी बगमी चोले पावे ओ बगमी बगमी चोले पावे बगमी बगमी चोले पावे सर ते रख के रुमाल मथा टेक लैन दे ओ मेनो सर ते रख के रुमाल मथा टेक लैन दे ओ रब मेरा सतगुर बन के आया मैनु देख लैन दे रब मेरा सतगुर बन के आया मैनु देख लैन दे रब मेरा सतगुर बन के आया मैनु देख लैन दे रब मेरा सतगुर बन के आया मैनु देख लैन दे जिस धरती ते पैर टिकावे जिस धरती ते पैर टिका
टिकावे जिस धरती ते पैर टिकावे धरती ते पैर टिकावे ओथे पत्थर भीतर जावे ओथे पत्थर भीतर जावे ओथे पत्थर भीतर जावे ओथे पत्थर भीतर जावे तारण हारा आया बिन देख लैन दे नियो तारण हारा मेरा सतगुर बन के आया मैन देख लैन दे रब मेरा सतगुर बन के आया मैन देख लैन दे रब मेरा सतगुर बन के आया मैन देख लैन दे रब मेरा सतगुर बन के आया मैन देख लैन दे बूटे बूटे पानी पावे बूटे बूटे पानी पावे बूटे बूटे पानी पावे बूटे बूटे पानी पावे सूखे बूटे हरे बनावे सूखे बूटे हरे बनावे सूखे बूटे हरे बनावे सूखे बूटे हरे बनावे यो केड़ा माली आया मैन देख लैन दे नियो केड़ा माली आया मैन देख लैन दे सतगुर बन के आया मैन देख लैन दे रब मेरा सतगुर बन के आया मैन देख लैन दे रब मेरा सतगुर बन के आया तिन देख लैन दे रब मेरा सतगुर बन के आया मैन देख लैन दे गुरुदेव तुम्हारी जय हो हस्तै सफटिकमालिकां विदधति पद्मासनै संस्थितां वन्देनां परमेश्वरी भगवती ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तयं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्षयम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितम् त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं
सदगुरु
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने खर्च न कूटे वाको चोर न लूटे, खर्च न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव केवटिया सदगुरु, भवसागर तर आयो भवसागर तर आयो पायो जी राम रतन धन पायो पायो जी मैंने के प्रभु 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 मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हर कारक यश गायो हर कारक यश गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रिय आत्मन, आज गुरु पूजा का पावन दिवस है, उत्सव है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जहाँ निर्वाण की बात होती है, मोक्ष की बात होती है, भगवत साक्षात्कार की बात होती है, आत्म साक्षात् की बात होती है, जहाँ ऐसे सत्य का कथन होता है जो इस सृष्टि का आधार है, जो अनादि और अनंत है, असीम है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, जब वो हृदय में प्रकट होता है, जब वो जीवन में सांस लेने लगता है, जब वो जीवन में अवतरित होता है, जब जीवन में साकार होता है, तो जीवन अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, जीवन अपने पूर्ण विकास को प्राप्त करता है। तब सृष्टि का सबसे
सर्वोत्कृष्ट अनुभव मानव के जीवन में, मानव के हृदय में, मानव के मस्तिष्क में, मानव के अनुभव में, मानव के बोध में उतर आता है। और तब मानव का जीवन अंधकार से रहित होकर के प्रकाशमय होता है, दुख से रहित होकर के आनंदमय होता है, भय से रहित होकर के निर्भय होता है, अतृप्ति से छूटता है, वासनाओं से छूटता है, मिथ्या ज्ञान से छूटता है और सत्य ज्ञान में अवस्थित होता है, विराजमान होता है, प्रतिष्ठित होता है, जीता है उसको, हर श्वास में जीता है, हर पल में जीता है, आनंद में जीता है। इसलिए गुरु की महिमा, गुरु की विशेषता, गुरु का महत्व, गुरु की श्रेष्ठता, गुरु की उज्ज्वलता को इस मंत्र में कहा गया है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, केवल ज्ञान मूर्ति। कैसा आनंद? ब्रह्मानंदम। एक साधारणतया जो जीवन में हम आनंद समझते हैं, ज्ञानेंद्रियों के सुखद, जैसे सुखद अच्छा मन भाव भावन, खाना खा लिया, दृश्य देख लिया, सुन लिया, स्पर्श हो गया, सूंघ लिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से जो मिलता है, इसको ब्रह्मानंद नहीं कहा, इसको परमानंद नहीं कहा। इसके लिए तो भगवान कृष्ण ने ये कह दिया, या ही संस्पर्शया भोगा दुख यौने एवते आद्य अनित्य अंतः के कौन्ते न तेषु रमते बुधा। ये जो प्रारंभ होते हैं और खत्म हो जाते हैं, भूख लगे, खाना बढ़िया सा मिल गया तो आनंद शुरू हुआ, और पेट भर गया तो आनंद खत्म हो गया। आदि और अंत वाले, आद्यंता कौनते न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिनकी बुद्धि काम करती है, जो जीवन में साधक हैं, जो जीवन में अंतर्मुख होना चाहते हैं, जो जीवन में इस सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो जीवन में वो पाना चाहते हैं जिसको पाकर के और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, जीवन में वो जानना चाहते हैं जिसको जान करके कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती, वो इसमें नहीं रहते हैं, वो सजग रहते हैं, वो जागते रहते हैं। जागते इसलिए रहते हैं कि उन्होंने इससे कुछ विशेष पाना है, इससे विशेष कुछ जानना है। हमारी जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, इन तीन अवस्थाओं का जो जीवन है, उसमें जो भी रस हम महसूस करते हैं वो द्वंद्वात्मक है, द्वंद्वों से भरा हुआ है। होगा रोग भय, बहुत ज्यादा
स्वाद के पीछे लगोगे तो रोग भी आ जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को बेचारों को अब ऐनक लगने लग गई, मोबाइल ने जो है वो काम खराब कर दिया। तो ना तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान उसमें नहीं रमन करता है। बुद्धिमान किसमें रमन करता है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो जीवन है, इससे परे भी आपका एक जीवन है। आपका अस्तित्व जो है वो इससे परे ही है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं हैं, और इससे परे जो है वो तत्व है, वो सार है, वो अस्तित्व है, वो होना है, वो तत्व है। इसलिए तुरीय है। तुरीय का मतलब इन तीनों से परे, आराम से, ये नहीं आराम से, ये नहीं अपना कर्म उधर, ये नहीं, तीनों से परे है। और वो तुरीय है। तुरीय का मतलब तीनों से परे, अतीत, तीनों से परे, अतीत, तीनों से अतीत, वो एक जीवन है। जिस जीवन में चित्त जो है वो अशांति की ओर नहीं भागता, भय की ओर नहीं भागता, चिंताओं की ओर नहीं भागता, जो अस्तित्व है, जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, वो साथ साथ जी रहा है, उसको वो साथ साथ चल रहा है। श्वास में वही है, चिंतन में वही है, दर्शन आंख बंद की तो दर्शन में वही है, भीतर से उससे जुड़े हुए हैं। संसार परिवर्तनशील है, देह 80 90 100 साल का एक खेल है, संसार भी खेल है, जगत भी एक खेल है, और परमात्मा सत्य है, उसमें जी रहा है। और भीतर एक ऐसी ज्योत जल रही है जिसके बारे में हर बार कहा है, और उसको उसको कहने के बिना कुछ कहा जाए तो वो कुछ सार नहीं है। उसके बिना कुछ कहा जाए तो कुछ रस नहीं है, वृथा कहानियों जैसा है। घट ही में उजियारा साधो, घट ही में उजियारा रे, पास बसे और नजर न आवे, बाहिर फिर तक वारा रे, बिन सदगुरु के भेद न जाने, कोट यतन कर हारा रे, आसन पद्म बांध कर बैठो, उल्ट नयन का तारा रे, त्रिकुटी महल में ध्यान जमाओ, देखो खेल अपारा रे, नहीं सूरज नहीं चांद चांदनी, नहीं बिजली चमकारा रे, जगमग ज्योत जगे निश्वास, जगमग ज्योत जगे निश्वास, पार ब्रह्म विस्तारा रे, जो योगी जन दर्शन पावे, उघड़े मोक्ष द्वारा रे, कहत ब्रह्मानंद सुनो भाई साधो, वह है देश हमारा रे, कहत ब्रह्मानंद सुनो भाई साधो, वह है देश हमारा, आपका वो देश है, उसमें जीना, उसमें हो जाना, वो आनंद घटता नहीं है, उस आनंद का विरोधी नहीं है, वो शुरू नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है, वो आपका स्वभाव है, वो आपका स्वरूप है, वो आप ही हो। तो सद्गुरु आनंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। देखो परमानंद स्वरूप है,
ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि आपके भीतर एक बहुत बड़ा खजाना है जिसको आपने बंद किया हुआ और उस तरफ ध्यान ही नहीं है आपका, आपने उसको त्यागा हुआ है। उस तरफ से विमुख हो गए, निर्मुख, मन मोड़ लिया, इधर ही लगा लिया। जागृत में जो ज्ञान इंद्रियां कहती हैं, मन कहता है, वही सुख है। स्वप्न में वही चीजें जो हैं वो संस्कार बन करके चलती हैं। सुषुप्ति में फिर सारा खेल बंद हो जाता है, जागते ही फिर शुरू हो जाता है। तो ऐसे जीवन जो जी रहे हैं वो परमानंद में थोड़ी जी रहे हैं, वो परमानंद में थोड़ी जी रहे हैं, वो तुरीयातीत अवस्था में थोड़ी जी रहे हैं। तो जीवन जो है वो तभी पूर्ण होता है जब हमारा चित्त जो है वो रुक जाता है, चित्त ठहर जाता है। जब हमारे चित्त की जगह चेतना प्रकट होती है, जब हमारे मन की जगह अमन जैसी स्थिति प्रकट होती है, जहां मन नहीं होता है ऐसी स्थिति प्रकट होती है, जब हमारी स्मृति जो है वो हमें घेरती नहीं है, हमारे हृदय पर बोझ नहीं बनती है, केवल एक लीला का काम करती है, काम चलाओ काम करती है कि हाँ इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, बस उसका काम रह जाता है। लेकिन जीना किसमें है? जीना तो उस परम सत्ता में है, परमात्मा में, उस ज्योतिर्मय आनंद में जीना है। तो इसलिए कहा ब्रह्मानंदम, उसका कोई विरोधी नहीं है, उसके जैसा और कुछ नहीं है। वो प्राप्त हो जाए तो फिर अप्राप्त नहीं होता है, उसमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पदार्थ की जरूरत नहीं है। जैसे सुनने के लिए इतर की सुगंध की जरूरत है, सुनने के लिए संगीत की आवश्यकता है, व्यक्ति की आवश्यकता है, कुछ नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण है, वो स्वभाव है आपका, परम सुखदम, परम सुख है। और केवलम ज्ञान मूर्तिम, केवल ज्ञान की मूर्त है, कागज की मूर्त है, पत्थर की मूर्त है, पारे की मूर्त है, अष्ट धातुओं की मूर्त है, काष्ठ की मूर्त है, किसी तरह की मूर्त नहीं, केवल ज्ञान मूर्त। कितनी सजगता है, कितनी जागरूकता है, कितनी चेतना है, गुरु के साथ हमारा यही संबंध है कि हम उस चेतना को उपलब्ध करें, उस आनंद को उपलब्ध करें, उस परम सुख को उपलब्ध करें। और उस परम सुख को उपलब्ध करने के लिए अंतर्मुख होना जरूरी है। अंतर्मुख का मतलब अंतर देखना, शरीर के अंदर देखो तो प्राण है, प्राण के अंदर देखो तो मन है, मन के अंदर देखो तो बुद्धि है, बुद्धि के अंदर देखो तो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश के अंदर देखो तो चेतना है, उसको अंदर देखो और चेतना में डूबो तो वो सर्वव्यापक सत्ता है, सच्चित आनंद है।
ब्रह्मानंद है। उस ब्रह्मानंद को जीवन में जीते जी पा लेना ही जीवन का लक्ष्य है। सद्गुरु की शरण इसलिए जाया जाता है। संसार, पैसा, धन, परिस्थितियां, ये चलता है, प्रारब्ध के आधार पर चलता है। इसकी चिंताओं में इतना डूब गए कि इसको भूल गए। आए थे जिस काम को, फूटने लगे कपास और ही काम में लग गए। तो व्यास पूजा का दिन जो है ये हमें जागृत भी करता है कि जागो। जीना है तो मौज से जी, आनंद अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से जी, आतम अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से जी, आतम अमृत रस को पी। जीना है तो मौज से जी, आतम अमृत रस। जग के सुख है भटकाते, जन्म मरण का चक्र चलाते। जग के सुख है भटकाते, जन्म मरण का चक्र चलाते। सच्चिदानंद स्वरूप में जी, आनंद अमृत। कोई कहता है कि परमात्मा कहाँ है, तो हम कह देते हैं सहज में कि वो सर्वव्यापक है, आपके पास है, बिल्कुल हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। फिर भी भूले हुए हैं, फिर भी उस आत्म अनुभव के रस का हम तिरस्कार करते हुए संसार के रस की ओर भागते हैं। अज्ञान जहां वहां सुख नाही, सुख है ब्रह्म ज्ञान के माही। अज्ञान जहां वहां सुख नाही, सुख है ब्रह्म ज्ञान के माई। अज्ञान को तज तू ज्ञान जी, आनंद अमृत रस को जीना है मौज से जी, आनंद अमृत। दे अभिमान को शीघ्र तू तज दे, सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। दे अभिमान को शीघ्र तू तज दे, सच्चिदानंद स्वरूप को भज ले। सुख का है आधार यही, सुख का है आधार यही, आनंद अमृत रस को भी। जीना है तो मौज से जी, आनंद अमृत। जागो जागो जगन की बेला, मानो
मनुष्य जन्म मिला अलबेला जागो जागो जगन की बेला मनुष्य जन्म मिला अलबेला जीवन का है सार यही आनंद अमृत रस जीना है तो मौज से जिया आनंद अमृत रस। तो हम जैसे मौज से जी लें वो जीवन है, हम चिंताओं में जी लें बहुत बंधन है, बहुत कर्तव्य है, बहुत कुछ है, ये है जिम्मेवारियां हैं वो है, लेकिन उसको करते हुए कैसे अपने को आनंदित रखना है उस सबसे से जुड़ करके, वो जीवन है, वो योग है, वो परमार्थ है, वो अध्यात्मिकता का रास्ता है। और सद्गुरु उसके प्रतीक हैं, ब्रह्मानंद स्वरूप जीवन तो उनके पास भी है, सांस तो वो भी ले रहे हैं, आंख उनकी भी देख रही है, काम तो उनको भी सुनते हैं, खाना तो वे भी खाते हैं, सोते जाते हैं, उठते बैठते हैं, काल भी होते हैं, फिर आनंद कैसे? सबसे आधार है वो सबका साथ, सबके आधार है वो सबका साथ। क्योंकि बुद्धों से जो आती है द्वंद्वों से तीत अवस्था है जिसको सूर्य अवस्था कहते हैं, द्वंद्वों से तीत वो अवस्था है जिसको ज्ञान योग कहते हैं, केवल ज्ञान योगी। द्वंद्वों से वो अतीत है, परे है, द्वंद्व क्या है, उसका उल्ट क्या है, शांति अशांति शक्ति जीवन वृद्धि हर्ष शोभ आनंद लाभ मित्र शत्रु अपना प्राय, जितना भी द्वंद्व शब्द उससे जुड़ता है वो सब द्वंद्व है। और आनंद में कोई द्वंद्व शब्द नहीं जुड़ता है, परब्रह्म परमात्मा में कोई द्वंद्व शब्द नहीं जुड़ता है, वो केवल एक मेवा मेवाद, वो एक ऐसा है जिसमें दूसरा है ही नहीं है, वो निर्द्वंद है। तो भीतर से निर्द्वंदता का अनुभव आप कर सको, तो जीवन में आनंद उतर आएगा। निर्द्वंदता का अनुभव नहीं करते हैं तो चिंता उतर आती है, तो शोक उतर आता है, तो डिप्रेशन उतर आता है, तो हाय हाय उतर आते हैं, तो रोग पैदा होते हैं शरीर में। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानम मूर्तिम द्वंद्वातीतम जगत सर्वेषां। आकाश में अलवार आकाश कटता नहीं है, आकाश में तूफान आते हैं आकाश के अंदर नहीं रहता है, आकाश में अग्नि जलती है आकाश के अंदर नहीं रहता है। निर्विकार रहता है, संकल्प रहता है, सत्ता की उस सत्ता की समीपता का रहस्य ऐसा है,
परमात्मा के साक्षात्कार का, आत्म साक्षात्कार का रहस्य ऐसा है, विशेषता ऐसी है कि उसके उसमें आनंद के सिवा, निर्द्वंद्वता के सिवा, निर्भयता के सिवा, अमृत के सिवा, श्रेष्ठता के सिवा और कुछ उठाने लगता नहीं। सब बह गया, जैसे मीरा कहते हैं, भव सागर सब सूख गयो है, सब सूख गया हो भव सागर। साधारण मनुष्य यही कहता है भव सागर में फंसे हुए हैं, और मेरा कहती है सूख गया है। भव सागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, फिक्र कोई फिक्र नहीं तरने की, अभी तरने की फिक्र लगी हुई है। फिक्र नहीं मोहे तरने की, लागी लगन प्रभु चरणन की, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन हरि चरणन की, बिना प्रभु के कछु न सुहावत। प्रभु के बिना कुछ सुहाना, कुछ अच्छा, कुछ मन लुभावन, कुछ प्रलोभन लगता है तो वो धोखा है। बिना प्रभु के कछु न सुहावत, ये माया सब स्वप्नन की, ये माया सब स्वप्नन की, लागी लगन हरि चरणन की, मोहे लागी लगन मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आस लगी मोहे दर्शन की। और एक जगह मीरा कहती है दर्शन के विषय में, पल पल प्रभु को रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती, ये बात पल पल प्रभु को रूप निहार, निरख निरख सुख पाती, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। एक कहती की आस लगी है, जी रही है फिर भी आस शब्द का प्रयोग करती है, और दूसरी तरफ कहते हैं पल पल प्रभु का रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक यश गाती, जन्म मरण के साथी, मारो जन मारो जन्म मरण के साथी, तो ये नहीं बिसरो दिन राती, प्रभु नहीं बिसरो दिन राती, मारो जन्म मरण के साथी,
तो ही डिठिया बिन कल न पड़त है, तो ही डिठिया बिन कल न पड़त है, तड़पत हूँ दिन राति। तो ही डिठिया बिन कल न पड़त है, तड़पत हूँ दिन राति। ऊंचा चढ़ी चढ़ी पंथ निहारूं, ये भाव योग है, भाव से परमात्मा की ओर भाव बन के उठने जैसा है। जो चित्त वृत्ति को निरोध वो एक मार्ग है, और चिदानंद रूप शिवोहम उसमें निश्चित हो जाना वो एक मार्ग है। तो मेरा भावुक है, महिला है, महिला का व्यक्तित्व भावुकता से ज्यादा मारक होता है। ये संसार सकल जग झूठो, झूठा कुल रानाती। ये संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाती। दो सदृशं तत्त्वमस्यादि तत्त्वमसि विचारणीय ठहराव से चिंतनीय विषय है। जो तत्व है वो तू ही है, तत्व तुम्हारे स्वरूप से अलग नहीं है, तत्व मेरे स्वरूप से अलग नहीं है। तत्त्वमस्यादि तत्त्व त्वाम असि, तू वही है। क्या है? जो ब्रह्मानंद है, जो परम सुख है, जो द्वंद्वों से परे है, जो आनंदमय है, वो तू ही है, दूसरा नहीं। और
वो कब तक ऐसा नहीं है जब तक आप जागते नहीं है अपने स्वरूप में, जब तक अपने को जानते नहीं है तब तक द्वंद्व में है, तब तक दुख सुख में है, तब तक जन्म मृत्यु वाले हैं, तब तक हर्ष शोक वाले हैं, तब तक हानि लाभ वाले हैं, तब तक वो हैं जो आप जीवन को अनुभव करते हैं, जीवन को महसूस करते हैं। और तत्त्वमसि एक शब्द है, इसके साथ ये भी शब्द है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य है, ज्ञान है, अनंत है ब्रह्म। अहम ब्रह्मस्मि मैं वही हूँ। जो आदि में ये सब शब्द आते हैं, बड़े महावाक्य आते हैं। तत्त्वमस्य आदि लक्षयम, लक्षयम का मतलब है कि उसे कैसे पाया जा सकता है। तत्त्वमसि मैं वही हूँ। सोमस्मि इति प्रत्यखंड दीप शिखा सोई परम प्रचंड। अखंड वृत्ति में वही, तब तक जागृत अवस्था में ही तुरिया अवस्था घटित होने लगती है। ज्ञानेंद्रियां जाग रही हैं, ज्ञानेंद्रियां कार्य कर रही हैं, लेकिन भीतर तुरिया अवस्था घटित होने लग जाती है। क्यों? ज्ञानेंद्रियों से जो मैं का संबंध था, रस लेने का संबंध था, वो खत्म होता है। आंख का झरोका वही है, कान का झरोका वही है, ज्ञानेंद्रियों के झरोके वही हैं, लेकिन दृष्टि जो है वो है कि मैं वो ही हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो। अभी क्या है कि शरीर मैं हूँ ऐसा लगता है, मन मैं हूँ ऐसा लगता है, बुद्धि मैं हूँ ऐसा लगता है, तब ऐसा नहीं लगता है। तत्त्वमस्य आदि लक्षयम, उसको लक्षित करके उसमें स्थिर होने से तब ऐसा नहीं लगता है कि मैं वो हूँ। स्थिर होने से फिर ये नहीं लगता है। तत्त्वमस्य आदि लक्षण, वो कैसा लक्षण? वो एक है, एकम, उसमें दूसरा नहीं है, एक ऐसा है। एक मेवा द्वितीयम, नित्य है, सदा है, सत्य है, विमल, मल से रहित है, कोई मल नहीं है। शरीर में मल है, मन में मल है, उसमें कोई मल नहीं है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तयम् द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षयम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं। सबकी बुद्धि का साक्षी है, सर्वधि साक्षीभूतं। भावातीतं, जो हमारे चित्त में उलट पुलट भावना की होती रहती है उससे वो अतीत है, परे है। त्रिगुण रहितं, तीनों गुणों से परे है। सद्गुरुं नमामि, जो तीनों गुणों से परे है, ऐसा विलक्षण है। जो हमें उस सुख की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है
जगाता है। गुरु कुंभार शिष्य कुंभ भया काढ़ काढ़ के काढ़े कोट, अंतर हाथ सहारा दे बाहर बारे चोट। कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है, घड़ता है, बनाता है। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी का जब घड़ा बनने लगता है तो अंदर हाथ दे देता है, बाहर चोट मारता है उसको अच्छी शेप देने के लिए, अच्छा आकार देने के लिए। अगर बाहर से चोट ही मारता है, मार दे और अंदर हाथ ना दे तो पिचक जाएगा, वहां से शेप बिगड़ जाएगी, भद्दा लगेगा। तो बुराई किसकी होगी, कैसा कुम्हार है जिसने इसको ऐसा बना दिया। अंतर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। तो जो जगाता है, जो उस परमानंद की ओर ले जाता है और हम सबके जीवन में एक ही लालसा है कि हमें ऐसा सुख मिले जिसमें दुख का अभाव हो, ऐसा जीवन मिले जिसमें मृत्यु ना हो, ऐसा आनंद मिले जिसकी कोई सीमा ना हो। वो एक ही मार्ग है, वो मार्ग है तत्व दर्शन का, अपने स्वरूप को, अपने आप को जानने का, सत्य का साक्षात्कार करने का। इसलिए ये अवसर हमें जगा रहा है, गुरु पूर्णिमा हमें जगा रहे हैं, अंतर्मुख करने के लिए प्रेरित कर रही है, जागने के लिए जीवन अवसर है, जीवन एक अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। किस चीज के लिए, साधन धाम मोक्ष के द्वारा। ये साधना का धाम और मोक्ष का द्वार है। पाई न जाई परलोक संवारा, पाकर के मनुष्य के शरीर को जिसने परलोक को नहीं संवारा। सो परत्र दुख पावही सर धुनि धुनि पचताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। काल पर, समय पर, ईश्वर पर, कर्म पर दोष लगाने से पहले हमें जाग जाना है और अपने राज्य को, अपने आनंद को, अपने प्रकाश को, अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को पा लेना है। इस निष्ठा से साधना करते रहेंगे। बोलिए ओम 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 असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव, हम तेरे सामने उपस्थित हैं। हमारे भीतर की कोई भी कमजोरी तेरी अभिव्यक्ति में विलंब ना कराए। हे प्रभु, हमें असत्य में नहीं, नाशवान में नहीं, अविनाशी में ले चलो, सत्य में ले चलो। ओम तमसो वा ज्योतिर्गमय। कृपामय, हमें अज्ञान की तरफ नहीं, अंधकार की तरफ नहीं, भटकनाओं की तरफ नहीं, प्रकाश की तरफ ले चलो, स्थिरता की तरफ ले चलो, आनंद की ओर ले चलो, ज्ञान की ओर ले चलो। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। कृपा में, हमें मृत्यु में नहीं,
अमृत में ले चलो। हे प्रभु, आप ही सत्य हैं, आप ही प्रकाश हैं, आप ही अमृत हैं। आपका संस्पर्श हमारा हृदय प्रत्येक पल प्रत्येक स्थिति में अनुभव करता रहे। हम जगत में तेरी ज्योति शिखाएं बन जाए। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। कविता जी का बहुत बार गाते हैं, मुझे थोड़े से ही भजन आते हैं, आपको पता है, वही सुनाता हूँ। जिन भजनों में निष्ठा है वही निकलते हैं। भजन तो बहुत सारे हैं कि जो अंतस को छूते हैं वही बोले जाते हैं। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पाए अमर निशानी, संतन में दरी
सहज में हो जाता है और उसको एक दो जो आप हैं वो दोहरा देते हैं। संकल्प से चलने वाले बने, आप अपने मंजिल को पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बने, आप परमात्मा की अमृत में छाया का जीवन में अनुभूति वाले बने, ऐसी शुभकामनाएं। आपका सर्वांगीण विकास हो, मंगल हो। परमात्मा ज्योतिर्मय आनंदमय की छाया में जिए, बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सब
पवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पाया है प्रभु का दीदार, सबको बधाई होवे। सामने बैठे मेरे सच्चे बादशाह जी, सामने बैठे मेरे सच्चे बादशाह जी। देख देख के देख देख करते नजरे निहाल जी, देख देख कर नजरे निहाल जी। जब मुस्कुराए मेरे शहनशाह बधाई होवे, जब मुस्कुराए शहनशाह बधाई होवे। आए हैं गुरु महाराज जी बधाई होवे, पाया है प्रभु का दीदार जी बधाई होवे। आए हैं गुरु महाराज जी बधाई होवे। शोभा बनी है ऐसी मेरे भगवान की, शोभा बनी है ऐसी मेरे भगवान की। भक्तों के बीच बैठे तिलकों की नाथ जी, भक्तों के बीच बैठे त्रिलोक की नाथ जी। आज आए हैं भगवान जी बधाई होवे, आज आए हैं भगवान जी बधाई होवे। आए हैं गुरु महाराज जी बधाई होवे, आए हैं गुरु महाराज जी बधाई होवे। पाया जहाज लेके भक्तों को तारने आए, नाम का जहाज लेके भक्तों को तारने आए। सचखंड वासी प्रभु भव से उतारने आए, सचखंड वासी प्रभु भव से उतारने आए। लाए हैं नाम का जहाज जी बधाई होवे, लाए ज्ञान से
महाराज की जय। हाथ सिर ते रखिया जी गुरु जी भजन करन दे वेले। हाथ सिर ते रखियो जी गुरु जी भजन करन दे वेले। मेरी बा पढ़ लियो जी गुरु जी भजन करन दे वेले। मेरी बा पढ़ लियो जी गुरु जी भजन करन दे वेले। हाथ सिर ते जाही दा गुरु जी भजन करने में मैं लतवारे।
शिव महाराज की। भर्गो देवस्य धीमहि